जब देश लई अपनी जाना नछावर करन वालियां दी गल आउंदी है तां भारत च ते पंजाब च एक नाम चोटी ते हुंदा है। ओह है सरदार भगत सिंह दा। अज 23 मार्च है ओह दिन जद सरदार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव नूं फांसी दी सज़ा दित्ती जांदी है, उहनां नूं सूली ते चढ़ा दित्ता जांदा है अपने देश की खातर कुछ करन दे लई। भगत सिंह दी जेकर गल करिए ता देश की आजादी लिए अपनी जाना वारन वालिया के योध्या दे विच उन्हां दा नाम सिखर दे योध्या च आउंदा है। भगत सिंह दा जन्म 28 सितंबर 1907 नूं लायलपुर दे पिंड बंगा मौजूदा समय की जेकर गल करिए पाकिस्तान दे पंजाब दे विच होया सी। उन्हां दा जद्दी घर अज भी भारतीय पंजाब दे नवां शहर हुण शहीद भगत सिंह नगर दे जिले पिंड खटकड़ कलां विखे मौजूद है। भगत सिंह दे जेकर परिवार बारे गल करिए भगत सिंह दे दादा सरदार अर्जन सिंह एक वाहीकार ते नाल नाल यूनानी हिकमत दा भी ज्ञान रखते सी। भगत सिंह दे पिता किशन सिंह समाज सेवक सी। 1906 च किशन सिंह कांग्रेस दे मैंबर बने ते सियासत च हिस्सा लेना शुरू कर दिता। इस दे नाल ही भगत सिंह दे चाचा अजीत सिंह भी एक सिरकढ़ सुतंत्रता संग्रामी सी ते प्रभावशाली बुलारे सन। भगत सिंह अपने चाचा अजीत सिंह की शख्सियत तो काफ़ी प्रभावित से। इस दे नाल ही उन्हां दे कोमल हिरदे ते करतार सिंह सराभा की शहीदी का गहरा असर पिया सी। यह भी कहा जाता है कि भगत सिंह सराभे की फोटो हमेशा अपनी जेब च रख्या करते से। 13 अप्रैल 1919 नूं जल्लियांवाले बाग का कांड हुंदा है। इस दौरान काफ़ी सारे लोगों का हिरदा वलूंदरिया गया। देश नूं प्यार करन वाले लोगों के दिल में अग भड़क उठी। उत्थे इस कतलेआम ने भगत सिंह की सोच से भी डूंघा असर छड्डिया। अगले दिनों च वो अमृतसर चले गए। उन्होंने बाग विचों खून नाल भरी मिट्टी चक्की ते अपने नाल लैके वापस आ गए। इस घटना ने उन्होंने दिल च अंग्रेजा खिलाफ नफरत भर दिती। 1921 च ननकाणा साहिब गुरद्वारे के मोर्चे ने भी उन्होंने मन ते डूंघी छाप छड्डी। वो अपने पिंड विच लंघे जांदे अंदोलनकारियों नूं लंगर छकाया करदे सी। फिर गांधी दा अंदोलन शुरू होया। काफ़ी नौजवान स्कूलों ते कालजां नूं छड्ड के आज़ादी की लड़ाई च कुद पे। इन्हां चों एक नौजवान से सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन के बारे हुण गल करते हैं। भगत सिंह जदों कानपुर पहुँचे तो उत्थे शंकर विद्यार्थी बी के दत्त चंद्र शेखर आज़ाद ते कुछ होर बंगाली क्रांतिकारियों के संपर्क चो आते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन के मैंबर बनते हैं। उन्होंने दिनों च गुरद्वारों की आज़ादी के लिए जैतो का मोर्चा लग्या होया सी, जिसका उन्होंने पूरे इकट्ठ नूं लंगर छकाया ते फलस्वरूप गिरफ्तारी के वरंट जारी हो गए। 1927 दे विच नौजवान भारत सभा की नींह रखी गई, जिसका नाम बाद विच बदल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन रख दिता गया। चंद्र शेखर आज़ाद ते भगत सिंह इस दे संचालक सन। इस दौरान 1927 दे विच काकूरी कांड रेलगड्डी डाके दे मामले च उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हां ते लाहौर ते दुशहरे मेले दौरान बंब सुट्टण दा भी दोष मढ़िया गया। कुछ समय बाद चंगे विहार कारण हालांकि जमानत दी भारी रकम दे एवज च रिहा कर दिता गया भगत सिंह नूं, पर भगत सिंह ने संघर्ष जारी रखिया। देश की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की ते यही अगे जाके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन बनती है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला यह एक वड्डा घटनाक्रम कह सकते हैं, जिसने कि भगत सिंह के जीवन से छाप छड्डी सी। भगत सिंह ते उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लैण की सहुं खाधी। राजगुरु के नाल मिल के लाहौर के सहायक पुलिस मुखी रहे अंग्रेज़ अधिकारी जे पी सांडरस नूं मार मुकाया। इस कारनामे नूं अंजाम देण दे लई चंद्र शेखर आज़ाद ने भी आपकी सहायता की। आपने एक होर क्रांतिकारी साथी बुटकेश्वर दत्त नाल मिल के नवी दिल्ली की सेंट्रल असैंबली दे हाल विच 8 अप्रैल 1928 नूं अंग्रेज़ सरकार नूं जगाउण दी बंब अते परचे सुट्टे। बंब सुट्टण उपरंत गिरफ्तारी दित्ती गई। इस तों इलावा हुण जेकर कैद ते फांसी की सज़ा की गल करदे आ, क्योंकि अज गल की जा रही है 23 मार्च की, जिस दिन शहीदी हुंदी है जिस दिन फांसी सज़ा दित्ती जाती है। 7 अक्टूबर 1930 नूं ट्रिब्यूनल का फैसला जेल च पहुँचता है, जिस अनुसार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव नूं फांसी, कमलनाथ तिवाड़ी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह नूं उम्र कैद, कुंदन लाल नूं 7 अते प्रेम दत्त नूं 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई।
ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਉਪਰੰਤ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਭੜਕ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ।